हमारे साथ विनोद जी हैं, वार्ड संख्या 51 के निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं और आज नामांकन करने के बाद पहली बार अपने समर्थकों और मीडिया के बीच में आए हुए हैं, क्या कहना है? आज तो भाई हमारे लिए, हमारे समर्थकों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमने 2022 पटना नगर निगम के चुनाव में नामांकन करने आए पूरे समर्थक के साथ। और मैं वार्ड संख्या 51 में चारोमुखी विकास किया हूं, आगे भी जो भी कुछ छूटा हुआ कार्य है मैं आगे भी पूरा करूंगा और जो भी वादा मैं जनता गण के बीच में किया हूं जरूर पूरा करूंगा। आपके तो विरोधी कहते हैं कि सही से नल जल योजना का एग्जीक्यूशन वार्ड में नहीं हो पाया है, सही तरीके से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। देखिए हमारे वार्ड में अब ऐसे विपक्षी का तो काम है भाई कुछ ना कुछ बोलना, वो बोले, लेकिन हमने जो कार्य कराया वार्ड संख्या 51 में आपका उच्च क्षमता के बोरिंग खान मिर्जा अखाड़ा पर करा दिए हैं, उसको भी पाइपलाइन जोड़ा गया है, कुछ जगह एक आध दो वो लोग वहाँ का स्थानीय लोग विरोध किए, उसको भी जोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम पूरे वार्ड में पानी पाइपलाइन का विस्तार भी किए, कुछ जगह जो छूटा हुआ उसका मतलब समझिए कि बर्क ऑर्डर भी मिल गया, उसका काम भी हो। कुछ ऐसे मुद्दे हैं विकास के मुद्दे चुनाव जीतने के बाद विशेषकर आप उस पर काम कीजिएगा? बाढ़ में विकास के मुद्दे ये हैं कि जो भी हमारे बाढ़ में जो भी मोहल्ला में जर्जर गली या टूटा हुआ नाला जर्जर नाला पहले मैं उस पर कार्य करूंगा जीतने के बाद। पटना के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता कर रही है तो आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा प्रत्याशी मेयर कैंडिडेट के लिए कौन है? देखिए ये जनता चुनेंगे, जनता के साथ मैं भी अभी जनता आप भी तो प्रतिनिधि है ना जनता के। मैं अभी यही घोषणा नहीं करूंगा, घोषणा नहीं करना है, कौन प्रत्याशी है समय आने पर हम साहू अब देखिए समय आने पर खुद सुनेंगे। अब चलिए मैम, नहीं ये हम कैसे अभी बोल दें, देखा जाएगा जनता का जो फैसला रहेगा वो हमारा फैसला है। जनता के वोट से जनतागण के मत से हम 2017 अच्छा, कम से कम ये बता तो दीजिए ये विनोद जी कम से कम ये बताइए आज जब जनता चुन रही है मेयर को तो हम कैसे फैसला ले सकते हैं, ये जनतागण पर छोड़िए। अच्छा ये बताइए विनोद जी कि 2017 से 2022 तक सीता साहू का कार्यकाल रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल? देखिए उनके कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं कि उनके कार्यकाल में करीब करीब जितने भी माननीय पार्षद हैं अपने वार्ड का विकास कार्य किए रिपीट होना चाहिए। अब देखिए अब जनता पर है, पहले सुन लीजिए जनतागण पर है तो जनता फैसला करेंगे, आज जनता के साथ हम भी जिधर जनता है उधर हम भी कुछ जनता के लिए कुछ आज बोलना चाहिए। अरे कामन में काम हुआ है होगा, कोरोना के चलते जो काम रुक गया था वो काम पूरा होगा जीतने के बाद होगा और ये निश्चित जीत रहे हैं। जो 15 साल में नहीं हुआ है 5 साल में हुआ है फिर दोबारा होगा। तो आपने सुना ना विनोद जी ने क्या कहा, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 5 साल हमने जनता के लिए निकाला है, जनता के विकास के लिए हमने काम किया है और इस बार भी जनता अगर हम पर विश्वास करेगी तो फिर से हम 5 साल विकास जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे और अपने अपने वार्ड को स्मार्ट बनाएंगे।